आम आदमी पार्टी के दिल्ली विधानसभा हलका बिजवासा तो विधायक देवेंद्र सहरावत ने एक वड्डा खुलासा किया जिया उन्होंने संजय सिंह और दुर्गेश पाठक से गंभीर इल्जाम लगाए ने। सहरावत का इल्जाम है कि संजय सिंह और दुर्गेश पाठक पंजाब में महिलाओं का शोषण कर रहे हैं, जिस संबंधी उन्होंने पार्टी के कौमी कन्वीनर केजरीवाल को चिट्ठी भी लिखी है, जिस विच उन्होंने इन इल्जामों की जांच करवाने केजरीवाल को कहा है। आम आदमी पार्टी के विधायक दविंदर सहरावत वालों एक चिट्ठी अरविंद केजरीवाल लिखी गई है, उस चिट्ठी में की है साडे नाल गलबात करने वास्ते खुद दविंदर हैं। दविंदर जी, एक चिट्ठी तुसी लिखी अरविंद केजरीवाल नूं, की उस चिट्ठी में लिखा गया? चार पॉइंट है चिट्ठी में। पहला पॉइंट है कि जो साडा मंत्री था संदीप, जो सीडी निकली थी उसमें बड़े जो है आपत्तिजनक, पूरा मामला इतना आपत्तिजनक था तो उससे बड़ी जो पार्टी की छवि में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, पहली गल। दूसरी गल जी कि जो हमने उसके पर रिएक्शन करा है, वो आशुतोष ने जो प्रवक्ता ने कहा है वो भी जो है माड़ी सी बात है कि आपने महात्मा गांधी की बात कर दी, आपने लोहिया की बात कर दी, 25 साल का मुंडा है और ऐसी जो है काम कर रहा है, उसको आप कंपेयर कर रहे हो महात्मा गांधी के साथ, तो वो पार्टी के लिए लॉन्ग टर्म में हानिकारक है, उसमें ऐसी जस्टिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात जो है, पंजाब से आरोप गए हैं कि टिकटों की जो है वायदे पर सेक्स ग्रेटिफिकेशन की बात हो रही है, यह भी चंगी गल नहीं है। एक पार्टी जो है देश बदलने आई है और ऐसे अगर रिपोर्ट आती है, ऐसी कंप्लेन आती है, तो इसको बड़ी गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। सब तो जो है डिसग्रेसफुल ये बात है अगर ऐसे हमारे पर आरोप लग रहे हैं, तो इसको हमें जो है चेक करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा गंभीरता से। और आखिरी है दिल्ली का मामला है, वो तो खैर उधर का इंटरनल है, पंजाब से उसका कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी विधायकों के साथ उनके क्षेत्र में हस्तक्षेप करना, उसमें इंटरफेयर करना, संगठन इस तरह बनाना, तो ये सारी बातें हैं। तो दिल्ली में हमें लोगों ने इतना साथ दिया है और असली फौजी आदमी है, जब दो खबर मिली है कि जो यहाँ कोई गड़बड़ है तो आके मेरी ड्यूटी है चेक करना, पता करना क्या हो रहा है, कोई उंगली पकड़ के तो कहीं ले जाता नहीं, ना कोई बताएगा, पब्लिक लाइफ में खुद करना जो भी करना है, बाकी चेक कर रहे हैं कि की चल रहा है। तो दोनों नामों ये दोनों बंदियां नु उन्हां दी जो है कोई रिपोर्ट आई तो उन्हें चेक करना, उन्हें काबड़ दे। संजय सिंह हैगा, दुर्गेश पाठक हैगा, इन्हां दे नाम दिए हैं, इन्हां दे खिलाफ शिकायत आई है तो चेक करो भाई उन्हें। हाँ, असी भी उसी जो है गड्डी च बैठे हुए, अब वही एक ही नाम है मेरी भी जो उसी में सारे हम हैं, तो डुबोना थोड़ी है सारे, तो बस यही गल है। एक ही गल है कि इन्हां दे खिलाफ कोई तरीके की कार्रवाई नहीं होंगी, क्योंकि गल करिए किंगरा दी, उन्होंने भी यही तरीके के आरोप लाए जो तो पार्टी छड़ी कि फंड्स जिहड़े है लेते जा रहे हैं, 5 लाख रुपया संजय सिंह लै गए, उस तो इलावा जिहड़े छोटू उपर कार्रवाई कर दी जाती, लेकिन इन्होंने दो लीडर के उपर कार्रवाई केजरीवाल क्यों नहीं कर रहे, आम आदमी पार्टी लीडरशिप क्यों नहीं कर रहे? चिंता का विषय है, ये पार्टी हैगी, पार्टी की जवाबदेही है लोगों, अगर जो तुसी कुछ करोगे नहीं फिर जो भुगतना भी पड़ेगा। अपना जो है ग्राफ 15-20 दिन पहले कितों सी राज कितने आ गया, वो सारा वो जनता जो है अपने आप देख रही है सारा ही, तो यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम, सारे सारे बंदियां नू हर बार जो है तुसी बेवकूफ नहीं बना सकते, तो जनता तो देख लेगी सारा, पब्लिक है सब जानती है, तो वो अपना योर बिहेवियर योर कंडक्ट हैज टू बी सच, आपकी जो बातें हैं, आपका बर्ताव है, आपका जो सारे 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 बराबर हैं, हाउ एवर हाई यू मे बी यू आर नॉट अबव द लॉ, आप कितने भी ऊंचे हों लेकिन आप कानून तो ऊपर नहीं है, तो ये बात जो है पार्टी को दिखानी पड़ेगी, सिर्फ बोलने से नहीं चलता, काम जो है आपके एक्शन में से वो बात निकलनी चाहिए, तो ये ऐसी तो वही गल बता सकती है पार्टी देखती। आप डिमांड करते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिस तरीके से छोटू पर के खिलाफ कार्रवाई हुई या उनको कई ऐसे लीडर्स हैं जिनको बाहर निकाल दिया रास्ता, इन पे खिलाफ भी कार्रवाई जल्द होनी चाहिए, चेक कर रहे हैं,
तो फैक्ट फाइंड मिशन चाहे चेक करके फिर उसके बाद पार्टी तो बात करें। कोई गल नहीं, वो देखेंगे, मैं तो विधायक हूँ दिल्ली, चेक करके जो पार्टी के नाल गल करेंगे की चल रहे थे। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਹ ਤੋਂ ਇਨ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਹੈ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਵੇ ਹੈ ਖੁਦ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਸ ਉਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ? ਹੋਰ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਹੀ ਬਤਾ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਐਕਚੁਅਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਲੀਡਰਸ ਖਿਲਾਫ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਪੂਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੋ ਹੈ ਮਹਿਲਾਓ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਜੋ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ। ਤੋ ਜੋ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੈਨਿਕ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਟੇਕ ਫੋਰਵਰਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਟੇਕ ਫੋਰਵਰਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋ ਉਹ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਮ ਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਹੈ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੋ ਨਈ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਵਿੰਦਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਲੀਡਰਸ ਕਈ ਸਾਰੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤਰਸੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਨ ਸੇਠੀ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਮੋਹਾਲੀ।